वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब थोड़ा हम लाइटर मूड पे आएंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे फैशन की, सिंगिंग की, मॉडलिंग की, एक्टिंग की। तो उस हवाले से हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें ज्वाइन किया है, पोस्ट भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं। दुआ, वेलकम टू द शो। दुआ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दुआ से जरा बात करेंगे, उसके साथ साथ सिंगिंग के बगैर हम जाएंगे तो आज का शो खत्म ना हो, क्योंकि मौसम भी कुछ अच्छा है तो अच्छा म्यूजिक सुनना भी बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया विक्की सम्राट ने। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। विक्की, आप बताइएगा आपके सिंगिंग करियर का आगाज कब से हुआ, कब से सिंगिंग कर रहे हैं? एक्चुअली बचपन से शौक था मुझे गाने का, लेकिन करियर का स्टार्ट मैंने किया कोरियोग्राफर, बिकॉज आई बिलोंग टू सम ब्रॉड फैमिली और अल्लाह पाक ने हमें इस फैमिली को यानी कोरियोग्राफी में ज़्यादा नाम दिया। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ का नहीं मालूम कि इस कोरियोग्राफी के साथ साथ हमारी मतलब सिंगिंग भी चलती रही। सो मैंने स्टार्ट किया 2 से 3 साल पहले, उसको प्रॉपरली मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो सीख रहे हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, सीखे भी ना तो बिल्कुल ये इसको मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है इसे। हाँ, गॉड गिफ्टेड होता है लेकिन उसको पॉलिश करना पड़ता है, सीखना पड़ता है इसको। जबरदस्त, ठीक हो गया। विक्की से डेफिनेटली हम सुनेंगे। दुआ, आपसे जानेंगे आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे? आजकल एक तो मैं सिटकॉम कर रही हूँ पंजाबी, जो कि बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। पंजाबी बहुत, तो उसके लिए सीखी पंजाबी आपने? नहीं, पंजाबी ऐसा था कि पहले मुझे आती नहीं थी, तो मैं जब मैट्रिक में थी मैंने पर्शियन रखी, तो वो तो मेरे पल्ले ही नहीं थी पढ़ती बिल्कुल भी। तो फिर मुझे किसी ने कहा पंजाबी रख लें, वो मतलब ना लाइक उर्दू या आप लिखेंगे तो वो इतना इशू नहीं होता, तो वो शायद तब अच्छे वक्त में किसी ने अच्छा मशवरा दिया और वो मैंने तब रख ली थी। और लेकिन वहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर में भी पंजाबी की बुक स्टडी करती रहती थी मैं साथ साथ, तो वो अब मेरे काम आ गई, तो फिर मुझे काफ़ी इजी हो गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी सी उर्दू के साथ मिक्स हो जाती है लेकिन काफ़ी बेटर। तो सिटकॉम के लिए किस तरह की पंजाबी? बहुत वो के लिए ठेठ पंजाबी है? नहीं नहीं नहीं, वो पंजाबी नहीं है। अच्छा, इस सिटकॉम में जो करेक्टर है वो कुछ ऐसा है कि एक मैं वाइफ हूँ, और आपको पता है कि बीवी जब पंजाबी बोलती है तो वो बहुत अजीब सी लगती है। तो कुछ वो है, और उसके अलावा भी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है इनकार, हाँ, जिसकी टीम बहुत खूबसूरत है। मैं हूँ, इमरान अशरफ है, समी खान है, यमुना जैदी है, एक और प्रोजेक्ट है, तो वो बाद में फिर कभी डिस्कस। जबरदस्त जबरदस्त। तो विक्की क्या सुनाएंगे अभी शो के आगाज पे, जो इस सेगमेंट के आगाज पे? अभी मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग है वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। जरूर जरूर, हम विक्की से जनाब गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद इनसे डिस्कशन। प्यार बनी नजरें दिल मां तुझसे मिलके
जब मिला वो तो सबसे कह रहा शामिल आवारगा है ये मेरा मजनू मस्त 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 मन मस्त 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 मन इश्क की बोले जुबान है ये मेरा मस्त मन मस्त 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 मन मस्त 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 मन इश्क की बोले जुबान है ये मेरा मस्त मन दस्त अक्षा में कहाँ है ये मेरा मस्त मन कौन समझाए इसे कौन समझाए इसे गहरी है दास्तां है ये मेरा मस्त मन मस्त 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 मन मस्त 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 मन मस्त 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 मन जबरदस्त तो विकी कब आपका रिलीज हुआ था ये सॉन्ग इसी 2018 में तो कैसा रिस्पांस आया इसका बहुत जबरदस्त अच्छा यस एक्चुअली ये मैंने किया था सूफी को ना थोड़ा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की तो मेरा फोकस जो है वो सूफी पे ज्यादा म्यूजिक पे ज्यादा है तो उसको थोड़ा जो इसकी शायरी है वो सारी सूफी है ठीक है तो उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके इसको किया तो अगस्त में इसको यस लवली 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 अच्छा दुआ अभी चूंकि एक्टिंग होस्टिंग ये सारे मामला जब चलते हैं तो डेफिनेटली हर फील्ड का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है तो एक्टिंग को किस तरह का फील आपको आई कि ये एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल लगी होस्टिंग ज़्यादा मुश्किल थी या क्या होस्टिंग में ये है कि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है आपको पता है कि आप अगर इस टाइम पे गए हैं जैसे लाइक आप जैसे भी बैठे हैं आपको पता है आपने इतनी देर बाद फ्री हो जाना आप घर चले जाएंगे लेकिन एक्टिंग का ये है कि आप सुबह गए हैं और आप रात को तब भी आएंगे जब आपको डायरेक्टर फ्री करेगा तो उसमें यह है कि थकावट मेहनत बहुत ज़्यादा है उसके अंदर क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं होते बाकी आर्टिस्ट भी होते हैं फिर उसके साथ साथ जो आपका शॉट फिर आपका शॉट फिर आपका शॉट तो आपको मेरे लिए खड़ा होना पड़ता है मुझे आपके लिए मुझे उनके लिए तो वो उतना वो समझते थकावट बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं सेटिस्फाई हूँ अकॉर्डिंग टू होस्टिंग तो एक्टिंग मुझे तो को एक्टर्स किस तरह के मिले अब तक और उनके साथ किस तरह की इंटरेक्शन और बॉन्डिंग रही आपकी बहुत अच्छी अभी तक मैंने जो देखा है इमरान अशरफ के साथ तो मतलब बहुत खूबसूरत इंसान है वो जितनी उन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है मैं आपको बताती हूँ हम अभी रिसेंट हमारा शूट चला था यूनिवर्सिटी में इनकार का शूट स्टार्ट थे और वहाँ से एक ही आवाज़ आती थी इमरान अशरफ कि मतलब अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है और मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत वाकई इज्जत के काबिल है जिस तरह का उनका बिहेव है और काफ़ी बहुत लाइवली रखते हैं सेट के ऊपर भी होंगे तो काफ़ी मतलब अच्छा रहा लेकिन अदरवाइज सबके साथ ही फिलहाल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो अभी जो आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अभी वर्किंग शुरू हो गई है या अभी नहीं अब तो बस ऑनियर होने वाला है तकरीबन 11 मार्च को एक प्रोजेक्ट ऑनियर हो जाएगा और एक अप्रैल के लास्ट में ठीक हो गया तो अभी जो इंडस्ट्री है उसमें आपको क्या लगता है कितना कंपटीशन है स्टैंड आउट करने के लिए किस तरह की एफर्ट्स हैं और क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे पता नहीं क्या वर्ड होगा जो मैं यूज़ करूँगी लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं जो सीनियर्स हैं उन्हें पता नहीं किस किस्म की इनसिक्योरिटी है सबके साथ आपस में ही उनकी नहीं बनती है बहुत अजीब से मैं स्पेशली बात कर रही हूँ फीमेल्स की तो वो ना मुझे बहुत अजीब सा एक उनका लगता है कि इनके साथ इशू पता नहीं क्या चलते हैं तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है आप जितना कम समझेंगे उससे तकरीबन 10,000 गुना ज़्यादा मुझे लगता है ठीक हो गया विकी अब हमें क्या सुनाने वाले हैं मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो फोकस है वो सूफी म्यूज़िक पे है और मैं कोशिश करता हूँ कि सूफी म्यूज़िक को किसी चीज़ का मर्ज करके उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके किया जाए तो इसी तरह कोई छोटी सी सूफी चीज़ सुना ज़रूर 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 हम लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तू गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तू गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बू ए हरे रेंदे न्याजी मैनू गम खांदा मेरा मुर्शिद न रुस जावे न्याजी मैनू गम खांदा
خورشید نہ رس جاوے جینا دے مرشد رس جان دے او جون دے جی مرے رہن دے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے واہ زبردست زبردست تو سیکھ کس سے رہے ہیں آپ کی جی میرے ٹیچر صابر خان اچھا تو کیونکہ ابھی یہ تو بہت لمبا پروسیجر ہے سیکھنے والا تو اب ایکچولی ایسے نا کہ ساتھ ساتھ کنسرٹس بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ سیکھنے کا پروسیجر بھی رہتا ہے تو یہ تو جو مطلب ایک راگ بھی اگر آپ سیکھیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے تو مطلب یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے بہت اچھا دعا آپ کی کوئی کیٹس بھی ہیں ابھی آپ بتا رہی تھیں کیا وہ پاپولر ہیں تھوڑی کیا ہیں وہ مجھے تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیں اچھا ان کے حوالے سے یہ کہ ایک میرا جو میل ہے نا وہ ہے ببلو ٹھیک ہے تو اس کو ایسے میرے ویسے ٹک ٹاک پہ اس کی ویڈیو لگائی وہ نا طوتوں کے ساتھ میرے بیٹھا ہوا تھا میرے پاس طوطے بھی ہیں ویسے مجھے جانور سے بہت زیادہ پیار ہے تو طوطوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس کی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی تو پتہ نہیں اس پہ کتنے ملینز اس کے ویوز چلے گئے اور نیچے جتنے کمنٹس تھے یہ تھے آپ نے کتنے کا لیا آپ نے یہ سیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی انہیں لے کے جاتی ہوں پھر میں ریسنٹ ڈاکٹر پہ لے کے گئی تھی وہ کیوٹ بہت ہے تو جتنے بھی لوگ تھے تو وہ میرے پاس آئے اور اس پہ ایک منٹ ہم اٹھا لیں اس کے ساتھ ایک منٹ پک بنا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میرا جو ببلو ہے نا وہ اسٹار بن چکا ہے وہ آپ سے بڑا اسٹار بن گیا مجھ سے بڑا اسٹار بن گیا ہے وہ تو اس کے ساتھ وہ اتنا وہ لونگ مطلب ہو جاتا ہے سب کے ساتھ اور کافی لوگ میں جہاں نوٹ کیے مطلب جہاں لے کے جاتی ہوں تو لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں اچھا تو آپ اس کی آن اینڈ آف ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈالتی ہیں ہاں اب میں نے بہت کم کر دی کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید اسے نظر لگ جاتی ہے کیونکہ ریسنٹ وہ گرا تھا تیسری منزل سے نیچے گر گیا تھا تو وہ یہی سمجھ لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکی کام آ گئی کہ وہ بچ گیا تو اب میں نے بہت کم کر دیا صحیح ٹھیک ہو گیا اچھا جناب یہ تو ہمارے سے مہمان موجود ہیں یہ کچھ موڈ کو خوشگوار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو تباہی ہے میری مطلب لوگ واقعی کچھ کرنے کے چکر میں نا کچھ بہت ہی الٹا کر لیتے ہوتے ہیں اچھا مزے کی ویڈیو تھی وکی میں آپ کی جانب آؤں گی کیونکہ ابھی ہم سنگنگ کی بھی بات کر رہے ہیں کوریوگرافی میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا سارا وہ چلتا ہے سلسلہ لیکن ایٹ دی اینڈ سنگنگ کی جانب آئے تو فیملی اور یہ ساری چیزیں کیسے میں نے بتایا نا کہ ایکچولی نام ہمیں ملا ڈانس کوریوگرافی میں لیکن میوزک ساتھ ساتھ تھا اچھا تو جب ہم لوگ انڈیا سے ادھر آئے تھے نا پاکستان تو انڈیا میں بھی ہم لوگ میوزک سے ریلیٹڈ تھے یہاں بھی میوزک سے ریلیٹڈ تھے اور ادھر میرے فادر ان کی ٹی سیریز سے ان کا ریلیز ہوا اس کے بعد چاچو وہ سنگنگ کرتے ہیں کوک اسٹوڈیو میں انہوں نے کیا لیکن نام ہمیں کوریوگرافی ملا لیکن اب دعا کس میں ملی ہے زبردست زبردست اچھا دعا آپ کو فیملی کی کتنی سپورٹ رہی جب آپ اس فیلڈ میں آئیں تو بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ مما کی بہت زیادہ سپورٹ تھی ہے اور وہ مجھے لگتا ہے زندگی کے ہر قدم پہ ہوگی میں کوئی بھی اگر معاملہ ہے یا کوئی بھی سچویشن ہے تو وہ سپورٹ رہے گی میری سسٹرس کی میری مدر کی انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے اور اسٹل ابھی تک کرتے ہیں تو فیملی میں اور کسی بہن بھائی کا ہے پلان ادھر آنے کا میڈیا میں نہیں ابھی تو ویسے آنا تو چھوٹی نے تھا سب سے چھوٹی وہ 11 ایئرس کی ہے پلان اس کا تھا پلان میرا بن گیا وہ سب کچھ مطلب الٹا ہو گیا تو ابھی تو اسٹل کسی کا ہماری فیملی میں شروع سے لے کے دادا کوئی بھی اسٹیل پہ نہیں ہے ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف میں واحد ہوں جو میں اسٹیل پہ ہوں ٹھیک
ठीक हो गया, अदरवाइज तो दूर दूर तक कोई नहीं है। अच्छा, इस फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन भी होता है, जेलिसी भी होती है कुछ, जब आप नए नए जाएं तो कुछ सीनियर जूनियर का भी एक डिफरेंस, तो आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस तरह? मतलब किस तरह बताऊँ मैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइक अजीब उनके। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा मसला है, वो ये समझते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि शायद वो लोग भी इन्हीं स्टेप से आए थे। तो मुझे लगता है जब इंसान अपना अपना आप भूल जाता है ना, फिर वो कुछ भी कर सकता है। और एक ईगो, एक एटीट्यूड अगर आप किसी को दिखाते हैं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं रहा जो हमारे सीनियर्स आर्टिस्ट जो थे उनका वक्त था। तब ये था कि वो लोग आते थे, छोटे घर थे उनके, बहुत बैकवर्ड एरियाज होते थे। अब जितने भी मैंने ये देखा है, जितने भी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं वो सब पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं। स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिलीज के लोग आ रहे हैं, वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है। तो इसलिए अब इन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं जिस तरह ये लोगों को देखते थे, अब इन्हें उस तरह ही देखना पड़ेगा। क्योंकि अब आप लोग शायद अपने नाम पर आ गए हैं, लेकिन हो सकता है अगला बंदा आपसे आपके लेवल पर ऊँचा हो, ठीक है, ये बहुत से मार्जिन रखना पड़ता है। अब देखिए, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई? नहीं, कुछ किस्मती से एक्चुअली ऐसा है कि हम इस फील्ड में काफ़ी देर से हैं, तो मेरे लिए सब दरवाजे खुले थे और सब ने रिस्पेक्ट दी, सब ने प्यार दिया। हाँ। तो कोई ऐसी मुझे फेस नहीं करनी पड़ी, नहीं पड़नी पड़ी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज दो आप देना चाहें, उसके बाद फिर हम इजाज़त भी लेंगे और हम विकी से फरमाइश भी करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ यही है कि लोगों से प्यार करें और जानवरों से प्यार करें, जानवर पर जुल्म करना छोड़ दें। मुझे क्यों, आप पेट लवर हैं? बहुत ज़्यादा, मुझे हर जानवर से प्यार है, मुझे बहुत जानवर, मुझे बहुत जानवर अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ये था मेरे पास तितर, बटेर, बंदर, खरगोश, पता नहीं कौन कौन सा जानवर था मेरा, आपने घर में रखे? घर में रखा, तो आप खुद कहाँ रहती थी? मदर भी यही कहती है। हाँ, मतलब आप, अगर आपने घर में इतना सब कुछ रखा तो आप खुद कहाँ रहती? बस यही समझते हैं, कमरे में रहती थी। अभी मेरी मदर ये कहती है कि तुम एक काम करो, यहाँ पे चिड़ियाघर खोल लो और हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं भी यही सोचती हूँ जब भी मुझे कोई ऐसा बताए कि हमारे घर में क्या। अच्छा, कोई आप मैसेज विकी देना चाहे उसके बाद फिर मैं। हाँ, मैसेज ये है कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, तो अगर हम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक हो गया, जबरदस्त चैलेंज जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी क्या आपको हमने बिल्कुल ऐसे जान देना, अभी हमने आपसे गाना सुनना है। जनाब, अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ जाएं, फीडबैक से आगाह करें। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको लगता है क्या हमारे शो में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम, हमारी फेसबुक टीम, फेसबुक पेज पर हमारी टीम एक्टिव है, वो आपको मैसेज अभी रिप्लाई भी करेंगे, आपके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। डेफिनेटली कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, लेकिन हम विकी से गाने की फरमाइश करेंगे। जी जरूर।
नित खैर मंगा सोने मैं तेरी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ कोई sa 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 sa